गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राहुल सर हियर। आज मैथमेटिक्स क्लब आपके लिए क्लास 11th का सेट थ्योरी का पहला लेक्चर लाए हैं। चैनल पे आते ही जो पहला काम आपको करना है वो क्या करना है, नीचे जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप पे कंटिन्यूसली आती रहे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम सिंबल से। सिंबल आपको सबसे पहले क्यों बताए जा रहे हैं, पहले ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा तो उसको मैं क्लियर कर दूं। सिंबल इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि आने वाली जितनी भी थ्योरी है वो इन सिंबल्स के फॉर्म में ही लिखी होगी, तो आपको उसको पढ़ने में डिफिकल्टी ना हो इसलिए सिंबल सबसे पहले बताए जा रहे हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं एक एक करके सारे सिंबल आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो सिंबल है वो सेट का है, नेक्स्ट सिंबल जो है वो दिस इम्प्लाइज का है, देन इफ एंड ओनली इफ, फॉर ऑल का सिंबल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद जो है दीज एग्जिस्ट का सिंबल कुछ इस तरीके से है, और दीज डज नॉट एग्जिस्ट के सिंबल में कुछ अलग नहीं है, बस ऑब्लिकली एक लाइन आ जाएगी। सच दैट का सिंबल दो बिंदी, एक ही बिंदी ऊपर एक नीचे और एक परपेंडिकुलर लाइन, ये देखो। ये सेमी कॉलन का भी सिंबल होता है, इसको याद रखना, कंप्यूटर वगैरह में यूज होता है, जिसको हम यहाँ पे सच दैट बोलेंगे। बिलोंग्स टू का सिंबल कुछ इस तरीके से है, जिसको ऑब्लिकली काट दे तो क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का सिंबल किससे है, कैपिटल एन से है। इंटीजर्स का सिंबल किससे है, जेड से है। होल नंबर डब्ल्यू, क्यू रेशनल नंबर्स, आर रियल नंबर्स, एंड सी इज फॉर रियल नंबर्स, सी इज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गए आपके सिंबल। सिंबल आपको याद रखने हैं हमेशा, इसी चैप्टर के लिए नहीं, आगे आने वाली जितनी भी थ्योरी आपको मैथ्स में मिलेगी उनमें ये सिंबल्स यूज होंगे। सबसे पहले सेट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई भाई सेट को पढ़ने की, इसका क्या एप्लीकेशन है। तो पहले तो प्रैक्टिकली बात करी जाए तो आगे आने वाले जो आपके दो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, इन दोनों में बिना सेट के आपको थ्योरी समझने ही नहीं आएगी, क्वेश्चन समझने ही नहीं आएंगे। तो सबसे पहले सेट इसलिए पढ़ा जा रहा है ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स की लैंग्वेज समझने आ जाए, रिलेशन की, फंक्शन की। और इसके बाद तीन और मेन चैप्टर हैं, ज्योमेट्री, सिक्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी। ये तो ये हो गया इसका प्रैक्टिकली आपको क्यों पढ़ना है नंबर के लिए। अब ये देखो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूज है आज के टाइम में, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ये मैथ की हर ब्रांच में यूज हो रहा है, हर ब्रांच में। और ये सबसे पहले कब इसके साथ एनकाउंटर हुआ था सेट थ्योरी के साथ, तो एक जर्मन मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम है जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को सॉल्व कर रहे थे, उस पर काम कर रहे थे जब उनने सेट थ्योरी को डेवलप किया था, वहां से सेट थ्योरी स्टार्ट हुई थी। इसकी डेफिनेशन क्या है, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। कलेक्शन आपने बचपन में बहुत किए होंगे, कार्ड्स का कलेक्शन किया होगा, बॉल्स का किया होगा, पेन का किया होगा, या जिसको जो पसंद है वो उस चीज का कलेक्शन करता है, बहुत से बच्चों ने बचपन में किए होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो जुड़ गई अब कलेक्शन के साथ, वो क्या चीज जुड़ गई, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होता है बच्चों, वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे हमारे चैप्टर में होगा जो मैथमेटिकली डिफाइन हो सके। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक लिस्ट बनाओ जिसमें अपने फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स लिखो, तो जरूरी नहीं है हर बच्चे की वो लिस्ट सेम हो, किसी को कोई पसंद होगा, किसी को कोई पसंद होगा। इसी की जगह मैंने आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल में मैं बोलूंगा उन सारे क्रिकेट प्लेयर्स की लिस्ट बनाओ जिनके रन 5000 से कम है, जिनके रन 5000 से कम है, वो जो लिस्ट होगी वो सब बच्चों की सेम होगी। देखो दोनों लिस्ट में डिफरेंस दिखा, पहले लिस्ट वेल डिफाइंड नहीं थी, फेवरेट किस बेसिस पे, फेवरेट कोई आपको पैरामीटर नहीं बताया गया था। दूसरी जो लिस्ट थी उसमें क्या बोल दिया, उन क्रिकेट प्लेयर्स की लिस्ट बनानी है जिनने 5000 से कम रन बनाए हो, तो वो क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। क्या हो गया वो, वेल डिफाइंड। तो अब आपको समझने आ गया होगा, मैं कुछ एग्जाम्पल और देता हूं। अच्छा, सेट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें याद रखना, सेट के अंदर जैसे अभी मैंने बोला, जैसे एक एग्जाम्पल और सुनो ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स, तो कौन कौन से होंगे ऑड नेचुरल नंबर, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और 10 से क्या है, छोटे हैं। तो ध्यान से सुनना, ये एक सेट है, ठीक है। इस सेट के अंदर ये जो आए हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये सब उसके क्या कहलाएंगे, या तो मेंबर बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, मेंबर बोल सकते हो, एलिमेंट बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, तीनों ही सिनोनियम टर्म्स कहलाएंगी इस थ्योरी के
कॉन्टेक्स्ट में सेट्स जो यूजली आप डिनोट करेंगे हम वो किससे करेंगे, कैपिटल लेटर्स से करेंगे, एक बी सी या जो भी अल्फाबेट आप यूज करेंगे, अगर सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैपिटल, और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्मॉल, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसे स्मॉल। देखो एवरीडे लाइफ में हम बहुत बार कलेक्शन कलेक्शन बोलते रहते हैं, लेकिन अब आप उन कलेक्शन को ही सेट बोलोगे जो वेल डिफाइन होंगे। मैं एक दो एग्जांपल आपको और देता हूँ, द रिवर्स ऑफ इंडिया, दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स ए ई आई ओ यू, ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी सेट कहलाएगा, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टेंथ क्लास में आपने सॉल्व करना सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, तो दो सॉल्यूशन आएंगे टू एंड थ्री, तो ये तीनों ही वेल डिफाइंड है, तो ये तीनों ही क्या कहलाएंगे, सेट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सेट कहलाएंगे। इसी के नीचे एक कॉन्ट्राडिक्शन जो आप सबके दिमाग में आता है कि सर फिर कलेक्शन और सेट में डिफरेंस क्या है, कलेक्शन और सेट में ये डिफरेंस है कि कलेक्शन सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कलेक्शन सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेट हमेशा क्या होगा, सेट हमेशा क्या होगा, कलेक्शन होगा ऑलवेज, सेट हमेशा क्या होगा, कलेक्शन होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि सेट वेल डिफाइंड क्या होता है, कलेक्शन होता है, लेकिन कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स का और उन क्रिकेट प्लेयर्स का जिनके रन 5000 से कम है, तो पहला और दूसरा ये दोनों कलेक्शन है, लेकिन पहला वाला कलेक्शन सेट नहीं है, लेकिन दूसरा वाला कलेक्शन सेट है। यहाँ पे मैंने और एग्जांपल्स दे रखे हैं डिटेल में समझाने के लिए, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जेड, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके सेट हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन। तो देखो सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पहली फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम है रूल मेथड, याद रखना। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, देखो बच्चों रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन कॉमा लगा के लिख देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42, वो सारे नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड कर दें, 42 किस किस के, देखो 42 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 14, 21, 42, तो इन सबको 1 by 1 हमने कॉमा लगा के लिख दिया और किस में बंद कर दिया, कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको क्या कहेंगे, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और एग्जांपल देखो, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये कौन सी फॉर्म है, लिस्ट में लिखे हैं और कॉमा लगा है, कर्ली ब्रैकेट्स में बंद है, तो तुरंत बोल देना ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म है। फॉर्म आपको पता करने आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपको फॉर्म पता नहीं होगी तो आप सेट के क्वेश्चंस करने में डिफिकल्टी होगी। जैसे एक और एग्जांपल देखो, द सेट एल ऑफ लेटर्स इन द वर्ड जोधपुर इन द टेबुलर फॉर्म इज रिटन एज एल इक्वल्स टू जे ओ डी एच पी यू आर, ये हमने लिख दिया, ठीक है। जोधपुर वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले हम अपने सारे एलिमेंट्स को 1 by 1 कॉमा लगा के लिख देंगे और किस में बंद कर दिया है हमने, कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, किस में, कर्ली ब्रैकेट्स में, रिमेंबर कौन से ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन कहलाती है, ये हमारी रोस्टर फॉर्म कहलाती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात जो है, सबसे पहली बात, रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर जो होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को लिस्ट कर रहे हैं वो कभी मैटर नहीं करता है। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब जैसे मान लो हमने एक वर्ड ले लिया है, जो वर्ड है हमारा लॉस्ट, क्या वर्ड है, लॉस्ट, तो लॉस्ट वर्ड में आपने मान लो एल ओ एस टी लिखा, एल ओ एस टी लिखा, या फिर एल एस ओ और टी लिखा, ऑर्डर हमने थोड़ा सा बदल दिया, एस पहले लिख दिया, ओ को बाद में लिख दिया। तो जैसे कि अभी मैंने बोला था, क्या बोला था, कि इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमेटेरियल, या फिर द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग द एलिमेंट्स इन अ सेट कैन बी चेंज्ड।
देखो ऑर्डर जिसमें लिखा गया है आपका सेट, वो हम बदल सकते हैं आगे पीछे एलिमेंट्स को कर सकते हैं, ये हमारे सेट पे कोई भी अफेक्ट नहीं डालते। मतलब LOST और LSOT दोनों ही क्या है, सेम सेट है। नेक्स्ट देखो इसी के नीचे एक और है, इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिपीटेड द सेट रिमेन्स द सेम। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट रिपीट होता है तब भी सेट क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, दो वर्ड लिखूंगा मैं, एक वर्ड है कूल, ठीक है, और एक वर्ड है कोल। ध्यान से देखो, कूल वर्ड में COOL, कोल वर्ड में COL, ओ इसमें दो बार आ रहा है, इसमें एक बार आ रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है कि ओ को दो बार लिखा जाए, आप ओ को एक बार भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही सेट क्या कहलाएंगे, ये दोनों ही सेट बराबर कहलाएंगे। तो अगर एक एलिमेंट बार बार आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसको बार बार लिखा जाए, आप उसको एक बार भी लिख दीजिएगा। ये दो रिमार्क हैं जो आपको याद रखने हैं, कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट जो है वो हमारी कौन सी फॉर्म है बच्चों, नेक्स्ट हमारी है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। देखो पिछली जो दो स्लाइड्स थी उसमें क्वेश्चंस हो रहे हैं किससे रिलेटेड, रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को आप करिएगा, कोई डिफिकल्टी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डाउट क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होंगी, लाइव डाउट क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी, वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड किया जाएगा कि कितने बच्चों को डाउट क्लास लेनी है। जिन जिन बच्चों को डाउट क्लास लेनी है वो कमेंट बॉक्स में बता देना, डाउट क्लास में सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। तो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सेट बिल्डर फॉर्म से, सेट की डेफिनेशन से रिलेटेड, सिंबल से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, पूरी थ्योरी में जो आज हम करेंगे वो आप नीचे डाउट बॉक्स में डाल देना, हम उसको बाद में डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। डाउट क्लास रेगुलर होगी बच्चों, तो अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, और जिस भी बच्चे को डाउट क्लास अटेंड करनी है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। डाउट क्लासेस रेगुलर होती हैं, उसका टाइमिंग शेड्यूल सब आपको बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो नेक्स्ट फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन, मतलब लिखते कैसे हैं इसमें, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम पूरे एलिमेंट्स को किसी एक सिंबल प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे नीचे हमने एक सिंबल देखो, एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे हमने सारे वोवल्स लिख रखे हैं, ए ई आई ओ यू, ये और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स क्या हैं, वोवल्स हैं, किसके, इंग्लिश अल्फाबेट के, इसमें कोई और लेटर नहीं है इनके अलावा। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके, हमने वी मान लिया अपने सेट का नाम, तो वी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स, ये जो दो पॉइंट्स, तो इनको क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं, शुरू में बताया था एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स जो है वो क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का एक वोवल है। देखो हमने क्या बताया था, पूरे सेट को किसी एक प्रॉपर्टी से डिफाइन कर देंगे। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ वी रीड इट। द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट वी इज रीड एज द सेट ऑफ ऑल एक्स। देखो रीडिंग बहुत जरूरी है, सबको आनी चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ना कैसे, प्रोनाउंस कैसे करना है, रीड कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एक्स, सच दैट का सिंबल लिखा हुआ है, फिर एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, फिर कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स, फिर किसका सिंबल है, सच दैट का, तो क्या आ गया, सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। फिर से बता रहा हूं इसको कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये इसको पढ़ने का तरीका है। बस आगे ये लगा देना है द सेट ऑफ ऑल एक्स है तो एक्स, वाई यूज कर लिया तो वाई बोल दीजिएगा, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी बोलनी है, क्या बोलनी है, प्रॉपर्टी। इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, जैसे कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, 42 को डिवाइड करने वाले सारे नेचुरल नंबर्स का सेट। ये तो कौन सी फॉर्म होगी, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 ऐसे करके, तो ये कौन सी फॉर्म होगी बच्चों, याद करो, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो हमने लिख दिया ए द सेट ऑफ ऑल एक्स, अभी पढ़ना सिखाया याद रखना, ठीक है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42, हो गया रिप्रेजेंटेशन सिंबल।
क्या प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने कि एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 42 को डिवाइड करेगा, ये उसकी हो गई प्रॉपर्टी। और ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में है, सिंपल। एक और देखो नेक्स्ट, द सेट एस और उसके अंदर के एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं इसको, किस में, सॉरी ये रोस्टर में लिखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में इनको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, कोई ये कॉमन प्रॉपर्टी देखो इन सब में, वन है, वन किसका स्क्वायर हो सकता है, वन का, फोर किसका स्क्वायर हो सकता है, टू का, नाइन किसका स्क्वायर हो सकता है, थ्री का, सिक्सटीन किसका स्क्वायर हो सकता है, फोर का, 25 किसका स्क्वायर हो सकता है, फाइव का, एंड सो एन अप टू। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी मिल गई, क्या प्रॉपर्टी मिल गई कि नेचुरल नंबर्स का क्या होता जा रहा है, स्क्वायर होता जा रहा है। तो हम नीचे लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसको, अगर हम उसमें लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको नीचे लिख देंगे, द ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। पढ़ने पे बहुत ध्यान देना है, सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे पढ़ना है मैं बार बार बता रहा हूँ, कैसे पढ़ना है, द सेट ऑफ ऑल एक्स करके स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सच दैट का सिंबल आएगा, उसके बाद प्रॉपर्टी आएगी। तो इसको भी हम कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सी फॉर्म हो गई बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो ना समझने आए वो नीचे पूछ लीजिएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोनों फॉर्म्स के ऊपर, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, एक एक क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का रोस्टर फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो फिर से याद करो रोस्टर फॉर्म में क्या करते थे, रोस्टर फॉर्म में करली ब्रैकेट्स के अंदर सारे एलिमेंट्स को वन बाई वन कॉमा लगा के लिख देते थे। अब इसमें हमारे एलिमेंट्स क्या हैं, तो एलिमेंट्स क्या हैं, सॉल्यूशन किसके, सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं ये 10th क्लास में सीखा है हमने। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे, तो किस में फैक्टराइज होगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। देखो अगर किसी का बेस कमजोर है, किसी को 10th क्लास के कंसेप्ट नहीं आते हैं या किसी कंसेप्ट में डाउट है, तो 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हो, जिस भी चैप्टर से रिलेटेड आपको डाउट हो वहाँ पे सारे वीडियोस पड़ी हुई हैं सारे चैप्टर्स की, ठीक है। नीचे देखो अब क्या निकले फैक्टराइज करने पे सॉल्यूशन, एक वन निकला और एक टू निकला। अब इसको हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में हमने दोनों को लिख दिया, एक वन निकला था और एक माइनस टू निकला था, करली ब्रैकेट लगाया, दोनों को उसके अंदर लिख दिया। अब नीचे देखो एक और क्वेश्चन है, राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, ये किसका सिंबल है, लेस देन का, इन दी रोस्टर फॉर्म। इसको भी किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अच्छा ये दिया किस फॉर्म में, ये दिया है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, क्योंकि किसी एक प्रॉपर्टी से पूरे सेट को डिफाइन कर रखा है। और इसको रीड कैसे करते थे याद करो, फिर से बता रहा हूं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट का साइन एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। बस अब इसको देखो, पहले तो इसके एलिमेंट्स ढूंढेंगे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। तो एक्स का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, एक्स कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, वन से शुरू होते हैं, और ऐसे इंटीजर्स ले लें जिनका स्क्वायर 40 से कम होता है। तो ध्यान करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो लास्ट हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 7 होगा, क्या होगा, 7। तो 7 तक के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम किस में लिख देंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे वन बाय वन कॉमा लगा के, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। 40 से कम चाहिए, सॉरी मुझे 50 लगा था, तो 40 से कम मतलब 6 ही होगा लास्ट, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 7 हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स का स्क्वायर किससे छोटा है, 40 से छोटा है, किससे छोटा है, 40 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या क्या हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेट लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और ये किस में लिखा हुआ है, सॉरी रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने बताया था कैसे लिखेंगे किसी एक प्रॉपर्टी से। नीचे देखो, इसको
कैसे लिख सकते हैं किसी एक प्रॉपर्टी में, अभी एक इससे पीछे क्वेश्चन किया था याद करो, उसमें सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा था। ध्यान से देखो यहाँ पे भी सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखना बता रहा हूँ ध्यान से देखना। ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, वो सिंबल लेंगे जिसका हमें इस्तेमाल करना है, वो हमने सिंबल ले लिया, सच दैट का साइन लगा दिया। फिर उसके बाद हम पूरी प्रॉपर्टी बताएंगे, प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक तो ये इनफाइनाइट सेट है, चलता जा रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। ध्यान से देखो अपने सेट में, पहले वन है, वन का स्क्वायर, फोर है, टू का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का, 25 5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू, तीन बिंदी लगी हो और कॉमा लगाओ तो ये किसका साइन होता है, सो ऑन अप टू का होता है, कॉमा और तीन बिंदी, तो ये सो ऑन अप टू का साइन होता है बच्चों, ठीक है। इसके नीचे एक और क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखो, 1 बाई टू, 2 बाई थ्री, 3 बाई फोर, 4 बाई फाइव, 5 बाई सिक्स, 6 बाई सेवन, इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको आप लिख लीजिएगा, इतना ही आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। बाकी आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच मैथामेटिक्स क्लब, राहुल प्रताप सर ऑलवेज विद यू गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो बाकी ICSE से रिलेटेड वीडियोस की हमने बोला था वो बहुत जल्द आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी, ISC की भी अवेलेबल हो जाएंगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।